हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आइए देखते हैं कि हम लिब्रा ऑफिस में एक्सेल जैसा सॉफ्टवेयर जो होता है, ठीक है, जिसके फाइल की एक्सटेंशन होती है डॉट ODS, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल के फाइल के एक्सटेंशन की बात करें तो वो होती थी डॉट XLS या डॉट XLSX। लिब्रा ऑफिस काफ़ी पॉपुलर हो रहा है हमारे इंडिया में, तो इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक रिकॉर्ड मैंने पहले से बना रखा है, मैं इस रिकॉर्ड को हटा देता हूँ। ये जो नंबर हमने ले रखे हैं इनको हटा देता हूँ। अगर आपने एक्सेल पढ़ा है तो ये लेबर वाला एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत ही आसान होगा आपके लिए, इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत सारा कुछ ईजी है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे रैंड बिटवीन फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं जो हम एक्सेल में करते हैं। इक्वल टू से कोई भी फार्मूला शुरू होता है, हम यहाँ इक्वल टू के बजाय प्लस भी लगा सकते हैं, या लिखेंगे रैंड बिटवीन। आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ मैनुअली टाइप कीजिए रैंड बिटवीन, इसके बाद ब्रैकेट लगाइए। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ कह रहा है बॉटम, यानी सबसे छोटा वाला नंबर दे दिया हमने। उसके बाद कह रहा है टॉप, सबसे बड़ा वाला नंबर दे दिया। इन दोनों के बीच का जो नंबर है इंटर करने पे वो यहाँ आएगा। अब चूंकि ये लगाया हमने फॉर्मूला है, ठीक है, तो देखिए यहाँ तक आ गया ये, और यहाँ तक इसको खींच देंगे हम, ठीक है। इसके बारे में अब हमको ये समझना है, चूंकि ये तो फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पर भी क्लिक किया तो ये ऊपर फॉर्मूला शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे F2 दबाएंगे तो ये फॉर्मूला शो होने लगेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इस फॉर्मूले को चेंज करना है, वैल्यू नहीं हुआ था, तो एक बार मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड से अंडो होता है, कंट्रोल जेड किया मैंने तो ये देखिए अंडो हो गया। अंडो यानी एक स्टेप पीछे जाना अंडो कहलाता है, एक स्टेप आगे जाना रेडो कहलाता है। तो यहाँ पे हम वापस से इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक, ठीक है, कॉपी करेंगे और जाएंगे पेस्ट स्पेशल पे और यहाँ इसको बना देंगे नंबर, यस करेंगे यहाँ पे, तो ये नंबर बन गया। अब ये चेंज नहीं होगा बार बार, जैसा कि आप एक्सेल में करते थे वही सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी है। इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, सम लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला, ब्रैकेट लगाएंगे मैनुअली और यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रैग कर ले जाइए तो ये दे देगा इसका टोटल, यानी B2 से लेकर, ये देखिए ये B नाम का कॉलम है, 2 नाम का रो है, तो B2 से लेकर G2 तक हमने सेलेक्ट किया है, बंद किया है और एंटर प्रेस जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर ये आ गया। अब ये जो चार कोनों वाला दिख रहा है आपको, चौकोर सा बटन यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे जैसे ही ले जाएंगे डबल क्लिक यहाँ कीजिएगा तो सबका आ जाएगा। तो ये तरीका है लेबर ऑफिस पे कैलकुलेट करने का, एक्सेल जैसा जो सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पर टोटल मार्क्स की बात है तो यहाँ पर कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं, तो इक्वल टू 600 लिख देता हूँ मैं, तो ये हो गया हमारा 600, ये टोटल मार्क्स हो गया, ठीक है। इसके बाद मिनिमम मार्क्स यानी मिन फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, वो देखना है कैसे करेंगे। इज इक्वल टू MIN मिन यूज़ किया हमने, और मिनिमम मार्क्स जिस भी सब्जेक्ट में होंगे उस सब्जेक्ट्स का मार्क्स यहाँ आ जाएगा अपने आप। तो देखिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया और जैसे इंटरफेस किया हमने तो यहाँ पे मिनिमम मार्क्स आ गया 16। देखिए इस वाले रो है, इस वाले रो में 16 मार्क्स मिनिमम है, ठीक है। अब यहाँ पर रखिए कर्सर को और डबल क्लिक कर दीजिए, ये सारा कुछ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इज इक्वल टू मैक्स, मैक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, और मैक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो फिर वही काम करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करते हुए चले जाएंगे और प्रेस करेंगे इंटर तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स भी आ जाएगा। तो देखिए सबके मैक्सिमम मार्क्स आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने ग्रेड लिया है तो ग्रेड लेने के पहले हम यहाँ एवरेज निकालेंगे, ठीक है, तो सेम वही चीज़ें हैं, इसको पहले डिलीट कर देता हूँ फिर यहाँ एवरेज, थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा बस, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो यहाँ एवरेज का फॉर्मूला हमें लगाना है और उसके बाद हम ग्रेड निकालेंगे, तो ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं हम, तो इत्मीनान से इसको देखते रहिए। इज इक्वल टू एवरेज, आप प्लस का निशान लगा करके भी फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, एवरेज। अब जैसे ही आप टैब कर देंगे तो अगले वाले कॉलम में चला जाएगा, ठीक है, या फिर एरर दे देगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टैब नहीं करना है, जैसे कि आप एक्सेल में आमतौर पर कर दिया करते थे। आपको मैनुअली यहाँ ब्रैकेट लगाना है और यहाँ से यहाँ तक आपको ड्रैग करना है, ड्रैग कर दिया, अब इसको बंद कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए तो ये देखिए ये एवरेज आ चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कितना इजी है ये। अब यहाँ पे ये एवरेज तो आ गया हमारा, अब ग्रेड कैसे निकालेंगे। इज इक्वल टू इफ फार्मूला लगा करके हम ग्रेड निकालते हैं, तो यहाँ इफ लगा लिया और इसको पकड़ेंगे, सेलेक्ट कर लिया सबसे पहले वाले एवरेज को, क्योंकि एक का निकालेंगे नीचे ड्रैग करते जाएंगे सबका आता जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे हम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 85, एस ग्रेड, सबसे बड़ा ग्रेड एस होता है,
ठीक है, फिर इफ लगाएंगे, यानी इसको नेस्टेड इफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ, ठीक है, NASTED, नेस्टेड इफ फॉर्मूला, यानी इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर इफ लगता जाएगा, ऐसे फॉर्मूले को हम बोलते हैं नेस्टेड फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अब यहाँ पे वापस से हम सेलेक्ट करेंगे यही पहला वाला ऑप्शन और यहाँ लगाएंगे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, अगर 75 हो तो क्या हो, ए ग्रेड हो जाए, फिर यहाँ इफ लगाएंगे और यहाँ पे इसी को सेलेक्ट करेंगे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 तो क्या हो जाए, बी ग्रेड हो जाए, इफ इज ग्रेटर देन इसको सेलेक्ट करके इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 55 तब क्या हो जाए, सी ग्रेड हो जाए, इफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फिर करेंगे, ठीक है, 50 कॉमा डी ग्रेड, ठीक है। यहां मैं कैपिटल कर लेता हूं इन सबको, ये मैंने स्मॉल में दिया हुआ है, यहां देखिए बी स्मॉल हो गया है, इसको मैं कैपिटल बना देता हूं, ठीक है, यहां सी स्मॉल है तो इसको भी कैपिटल कर देता हूं, ठीक है। और देखिए इफ फॉर्मूला दो कंडीशन दे सकते हैं इफ में, तो ये देखिए ये इफ वाला लास्ट फॉर्मूला हमने लगाया है, L2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 तो डी ग्रेड हो जाए, और एट लास्ट अगर ऐसा ना हो तो क्या हो जाए, वो बच्चा फेल हो जाए, ठीक है। अब आपको करना है एंटर, जैसे एंटर किया तो यहां पे फेल का रिजल्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहां पे डबल क्लिक करेंगे तो सबका आ जाएगा। अच्छा अब इसकी फॉर्मेटिंग हमें करनी है, कैसे करें फॉर्मेटिंग, यहां पर रखिए कर्सर को और इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर जाइए, यहां तक डेटा सेलेक्ट करना है, जहां तक भी सेलेक्ट करना है उसको, ये इतना डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया, देखिए ये ग्रेड तक, तो ये अब सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, आपको अगर इसको मिडिल अलाइन करना है तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे बटन आपको दिए हुए हैं, देखिए ये सेंटर अलाइन करने के लिए ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, ये सेंटर में आ जाएंगे, न इधर रहेंगे ना राइट साइड में ना लेफ्ट साइड में, ये सेंटर में रहेंगे। चलिए इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट की जो हम लोग एक्सेल में पढ़ा करते थे कंट्रोल ई, वही होती है, राइट अलाइन की भी वही होती है, लेफ्ट अलाइन की भी वही होती है, और जस्टिफाई की भी वही होती है। चलिए अब इसको मिडिल अलाइन करना है, तो मिडिल अलाइन, ठीक है, कैसे करेंगे, सेंटर वर्टिकली लिखा हुआ है ये, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये सब मिडिल अलाइन यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आप चार कोनों वाला बॉर्डर लगा सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये चार कोनों वाला बॉर्डर बना हुआ है, यहाँ पे आप दे सकते हैं, तो आपका डेटा कुछ इस तरह के फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं फॉर्मेट, समझ में आ रही होगी कि कैसे हम इसको फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है। तो आइए अब इसको फॉर्मेटिंग करते हैं, ऊपर वाले को सबसे पहले, सबसे पहले इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड भी चेंज हो गया। अब हम चाहते हैं कि इस पे भी हम बॉर्डर लगा दें, ऊपर वाले पे, ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे कहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चार कोनों वाला बॉर्डर ले लेंगे, तो ये इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम ये रिकॉर्ड एंट्री कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।